हेलो दोस्तों, कोट कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होली की डेकोरेशन, वो भी गार्डन में, ताकि आप खुल के होली खेल सकें। तो ये गार्डन है मेरी मम्मी का। तो चलिए पहले मैं आपको गार्डन दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये फूलों से लदा हुआ एकदम बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। और इस प्यारे से गार्डन में आज हम करेंगे होली के लिए एक छोटा सा डेकोरेशन का सेटअप, जिसमें हम अपने आने वाले मेहमानों को होली पर बैठा सकें, उनको रंग लगा सकें, उनके साथ खा पी सकें, गा बजा सकें और साथ ही खूब सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी खींच सकें। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपने हथियार पहले से जमा करके रख दिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा काफ़ी सारा सामान। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर एक ये कपड़े सुखाने वाला तार बंधा हुआ था, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा पास से जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो पेड़ थे, तो मैंने इन दोनों पर इस रस्सी को इस तरीके से स्ट्रेट बांध दिया है, ताकि हमें एक जो बैक बनाने के लिए अपना कोई सपोर्ट मिल जाए। अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ नहीं है, मतलब गार्डन नहीं है, आप छत पर बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा गमला लेना है। इस तरीके का कोई गमला आप ले सकते हैं, और इसके बीच में आपको लंबा सा एक डंडा लगाना है। ऐसे ही एक और गमले में आपको लंबा सा पाइप लगाना है और ऊपर एक और पाइप को दोनों एंड्स पर जोड़ देना है। इस तरीके की वीडियो मैंने आपको अपनी नवरात्रि डेकोरेशन की वीडियो में बताई थी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये है पूरा का पूरा गार्डन, और ये वाला एरिया मैंने चूज़ किया है अपने बैक साइड वाला बैकड्रॉप बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिल्कुल साइड में है एक ये छोटा सा ब्रिज, है हमारा ब्रिज, और उसके पीछे है फर्श, ताकि वहाँ पर थोड़ी बहुत अगर रंगों की, किसी को पानी वाले रंगों की खेलनी है तो वहाँ पर होली खेल सकें। साथ में टंकी भी लगी हुई है, तो वो सब ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर रहेगा बैठने का, खेलने का, खाने का, गुलाल लगाने का, हंसने का, गाने का पूरा होली का मौसम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तार बांधने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ ये कपड़े। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यूज़ किए थे, ये पगड़ी का कपड़ा है, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है कि हमारा पीछे जो है एक कर्टेन जैसा पूरा बन जाए। आप इसकी जगह अपने कुछ पुराने दुपट्टे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी पुरानी साड़ियाँ भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनके तीन पीस कर लिए थे, और तीन हमने यहाँ पर ये फैब्रिक जो है अपना लगा दिया है, और ऊपर से हमने इसको अटैच कर दिया है सेफ्टी पिन की हेल्प से, और साइड बीच बीच में भी हम यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। आप यहाँ पर एक ही कलर की, क्योंकि दुपट्टे तो नहीं होंगे बिल्कुल सेम एक जैसे, तो आप अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं। होली का टाइम है तो वो कलरफुल भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने बीच बीच में सेफ्टी पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये कलरफुल स्ट्रिंग्स, जिनको मैंने स्पेशली इसी बैकड्रॉप के लिए बनाया है। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे इस पीछे बैकड्रॉप पर ये थोड़ी थोड़ी दूर पर स्ट्रिंग्स लगा देंगे। ये लगने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही हैं और बनाने में बहुत ही ईजी हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इनको मैंने कैसे बनाया। बनाने में बहुत ईजी हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ कलरफुल शीट्स, और यहाँ पर हम इनको अलग अलग साइज़ में ड्रॉ कर लेंगे। सभी कलरफुल शीट्स पर हमें अलग अलग साइज़ ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद उन सबको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें अलग अलग कलर्स की इस तरीके से कटिंग्स मिल जाएंगी। उसके बाद लेना है हमें एक रिबन। यहाँ पर मैंने ये एक वाइट कलर का रिबन ले लिया है, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि वो हमें अपने बैकड्रॉप में पीछे की तरफ चाहिएगा, और बीच में इस तरीके से अलग अलग साइजेस और अलग अलग कलर्स के इन शीट्स को हम इस तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे एकदम इंस्टेंट चिपक जाता है। तो इस तरीके से हमें अपनी सारी की सारी स्ट्रिंग्स तैयार कर लेनी है, और उसके बाद फिर अब हम इनको यहाँ पर अटैच करेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से।
तो ये देखिए सेफ्टी पिन से हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। इस तरह हमें अपनी सारी की सारी स्ट्रिंग्स लगा लेनी है। और ये देखिए पूरे के पूरे कर्टेन पर स्ट्रिंग्स लगने के बाद ये कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है। अब करेंगे कुछ बैठने का इंतज़ाम, तो पानी वगैरह डल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक फोल्डिंग पलंग। और इसको मैंने बिल्कुल अपने जो बैकड्रॉप हमने बनाया है उसके आगे बिछा लिया है। और उसके ऊपर अब यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ कुछ पुराने फैब्रिक, कलरफुल फैब्रिक यहाँ पर मैंने रखे हैं। यहाँ पर अब ये लिए हैं हमने कुछ फ्रूट के कंटेनर्स जो वेस्ट होते हैं, आपको मार्केट से मिल जाएंगे, और इनको आपको अलग अलग कलर में कलर कर लेना है। और उसके बाद आप इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं और ये बहुत सारी आपकी डेकोरेशंस में काम आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से अरेंज किया है। और इनके साथ अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये कुछ कलरफुल मटकियाँ। अगर आप इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कंटेनर और मटकियों में, तो आपके घर में अगर पुराने गत्ते के बॉक्सेस हैं, आप उनको कलर्ड पेपर से रैप करके उनके ऊपर अपने घर में पुराने लोटे, केतली, उन सब चीज़ों को लगाकर भी इस तरीके की डेकोरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये प्लास्टिक के कुछ फूल। ये मैं बहुत सारे एक बार ही लेकर आई थी, तो ये मेरे काफ़ी वीडियोस में काम आते हैं। इनकी जगह आप चाहें तो रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको लगा रही हूँ ताकि इन पर अगर रंग या पानी कुछ गिरे तो उससे भी कुछ इनका फ़र्क ना पड़े। अगर आप फ्लावर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो उसका एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर दुपट्टे ले लें प्लेन कलर्स के, और उनको अपने जो घड़े हैं उनमें इस तरीके से आप डालकर उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब अलग अलग घड़ों में अलग अलग कलर के दुपट्टे आप डालेंगे उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पर सब में फ्लावर्स लगाए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब चाहिए हमें एक टेबल, तो यहाँ पर कोई टेबल अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कार्टन था खाली, उसके अंदर एक दो खाली बॉक्सेस हैं, उसको उल्टा करके इस तरीके से रख दिया है। और अब उसके ऊपर हम अटैच करेंगे अपने कुछ पुराने कलरफुल दुपट्टे। तो ये देखिए यहाँ पर साइड में मैंने एक ये पिंक कलर का दुपट्टा लिया है, और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑल पिंस भी नहीं थे तो हमने सेफ्टी पिंस को ही खोलकर बस इस तरीके से जो है कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया है, तो ये इससे भी काफ़ी अच्छे से अटैच हो गया है। उसके ऊपर अब मुझे डालना है एक येलो कलर का दुपट्टा। वो पहले मैं प्लेन ऐसे ही डाल रही थी पर नीचे कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पहले एक कॉटन का दुपट्टा डाल लिया येलो, और उसके ऊपर अब हम अपना येलो का जो फैंसी दुपट्टा है वो डालेंगे। तो ये देखिए ये पूरा डलने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि आपने नीचे कार्डबोर्ड का टेबल बनाया है। और इस ऊपर वाले दुपट्टे को मैंने साइड में ऐसे ही फ्लोइंग छोड़ दिया है, उससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही है। हो गई हमारी टेबल एकदम रेडी। और ये देखिए हवा ने क्या किया, सब कुछ बिगाड़ दिया है, पर चलिए इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। उसके पहले हमने अपने पलंग के दूसरी साइड में एक स्टूल के ऊपर एक बचा हुआ कंटेनर और एक घड़ा और रख दिया है, और अब हम इसके अंदर भी फ्लावर्स को उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने दूसरी तरफ लगाए हैं। अब मैं पीछे का सारा बैकड्रॉप को पूरा का पूरा पिन से अटैच कर दिया है, और इस फोल्डिंग पलंग पर भी एक थोड़ा सा हैवी दुपट्टा मैं लगा रही हूँ पीछे, क्योंकि थोड़ा कुशन बिल्कुल फ्लैट अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं यहाँ पर दो पिलो लगा रही हूँ। और उसके आगे फिर अब हम अपने छोटे छोटे से कुछ कुशन्स यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर क्योंकि गोल कुशन अवेलेबल नहीं थे, अगर गोल कुशन आपके पास है तो वो आप यहाँ पर रखें। अब टेबल को डेकोरेट करेंगे। टेबल डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर एक कलरफुल हंडिया है मेरे पास, उसके अंदर मैंने अपना ये होली है का जो टैग है वो इसके अंदर लगा दिया है। साथ में रखा है रंगों का प्लेटर जो मैंने आपको पहले सिखाया है बनाना, और कोई भी आप एक बास्केट ले लीजिए, उसके अंदर कलरफुल कोई फैब्रिक या नेट ऐसे लगा लीजिए, और उसके अंदर आप रख सकते हैं अपने सारे के सारे गुलाल के, रंगों के, गुब्बारों के पैकेट्स। तो यहाँ पर मैं ये कुछ चीज़ें हैं उनको डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनसे खेल सकते हैं, और चाहें तो फिर यहीं से उठाकर आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबल की डेकोरेशन। इसको मैंने रंगों के लिए रखा है टेबल को, क्योंकि थोड़ी स्टेबल नहीं है उतनी, तो इसलिए यहाँ पर केवल मैंने रंगों का काम किया है। और पलंग के दूसरी साइड में एक छोटा सा स्टूल डाला है, उसके ऊपर डाला है एक और दुपट्टा,
और उसके ऊपर अब आप अपना खाने पीने का सामान रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये एक फैंसी जार वाली ट्रे, जिसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट्स, गुंजिया वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बनाते हैं एक प्रॉप। उसके लिए मैंने एक सलेट को इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है चारों तरफ आर्टिफिशियल पत्ते और फूल लगाकर, और अब उसके ऊपर आप कुछ भी लिख के रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ होली की मस्ती, और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्योंकि पेड़ थे तो उसकी एक टहनी में मैंने इसको हैंग कर दिया। आप सिंपली इसको कहीं पर भी रख दीजिए ताकि लोग उठाएं और फ़ोटो खिंचा सकें। इसके अलावा यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ कलरफुल बलून, जिन्हें डबल साइड टेप से यहाँ पर चिपका रही हूँ। फाइनली दिखाती हूँ आपको पूरा लुक। यहाँ से है हमारी एंट्रेंस। इस पर भी मैंने एक दो फ्लावर्स टांग दिए हैं, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं कर रही हूँ, मम्मी के घर में कर रही हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड सामान है जिससे मैंने ये सब किया है। ये हमारा फर्श है जहाँ पर पानी वाली होली खेल सकते हैं। और ये देखिए, ये हमने साइड में लगाया है एक स्टूल, उसके ऊपर एक फ्रूट वाला कंटेनर खाली, और उसमें लगाई है हमने घड़े में ये फूलों की मालाएं। ऊपर ये मैंने एक प्रॉप लगा दिया है, इसको उतार कर हाथ में लेकर फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। ये हमारा है पीछे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा सा एक बैकड्रॉप। इसको लगाने में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि आज बहुत हवा चल रही थी, तो मैंने फिर इसको हर जगह से पिनों से अटैच किया है। उसके बाद हमने नीचे बिछाया है ये फोल्डिंग, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी गिरे तो इसका कुछ बिगड़े नहीं। हालांकि मेरा एक बहुत अच्छे वाला दुपट्टा इस पर लगा है, पर वीडियो के लिए मुझे वो लगाना पड़ा। आप चाहें तो इसकी जगह कोई अपना पुराना दुपट्टा लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने चिपकाए थे बलून, पर हवा इतनी तेज है कि सारे के सारे उड़ गए। ये हमने लगाई है एक कार्डबोर्ड की टेबल, क्योंकि ये बहुत स्टैंड करने में बहुत अच्छी नहीं है, खाली डब्बा है, तो मैंने इसलिए इस पर खाने का सामान नहीं लगाया है। इस पर मैंने यहाँ पर लगाए हैं, देखिए ये खूब सारे यहाँ पर हमारे कलर गुलाल, गिफ्ट करने के लिए भी ये हैं। यहाँ पर गुलाल का टीका है, चंदन का टीका है, ठंडाई का है पैकेट। ये बहुत अच्छे पैकेट्स इस बार बनाए हैं मार्केट वालों ने, मुझे बहुत पसंद आया। ये हमारा होली का प्लेटर जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, ये एक गुलाल की पिचकारी है। और यहाँ पर मैंने रखा है एक छोटी सी मटकी जिसमें मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, और उसके ऊपर एक प्रॉप लगाया है जिस पर लिखा है होली है। तो यहाँ से हो गया हमारा बैठने का पूरा सिस्टम। उसके बाद साइड में चलते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने पीने का अरेंजमेंट रखा है, एक छोटी सी टेबल लगाकर उसके ऊपर ये सुंदर सा एक बास्केट रख दिया है। साथ में मैंने रखी हैं दो बाल्टियाँ। अब चाहे तो आप इसमें अपनी कोई मिठाइयाँ, गुंजिया वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर आप इनको शो के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें फ्लावर्स वगैरह डालकर उनकी होली भी खेल सकते हैं। पीछे मैंने एक गमला रख दिया है ताकि और भी सुंदर लगे ये। और उसके बाद ये हमारा इधर की साइड हमने बनाया है एक पूरा फ़ोटो शूट करने के लिए बैकड्रॉप। तो ये देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है, और ये कंटेनर्स भी आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। बस एक बार आपकी थोड़ी सी पेंट करने की मेहनत है। अगर आप इतनी सारी फूल मालाएं ये नहीं ख़रीदना चाहते, मैंने यहाँ पर ये इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये बहुत ही प्लास्टिक, हल्की प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, तो इन पर अगर पानी या रंग कुछ डल भी गया तो इनका कुछ जल्दी से बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इनकी जगह दुपट्टे भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में। पूरे गार्डन का लुक ये देखिए, ये गार्डन में पूरा का पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। डेकोरेशन तो हमारी हो गई कंप्लीट, अब है बारी होली खेलने की। तो हमने कुछ होली खेल ली और साथ में ले लिए कुछ।
दोस्तों आपको होली की ये डेकोरेशन की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।